अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सईद वाइब्स। आई होप एवरीवन इज़ गुड। आज मैं आपको कार हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैं जो रेज़न यूज़ कर रही हूँ ये है क्रिस्टल प्रॉक्सी वायरों की, और ये बहुत ही अच्छी रेज़न है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसका रेशो है 2:1। हर बोतल के ऊपर उसका रेशो लिखा होता है, आपने अपनी बोतल का रेशो चेक कर लेना है। यहाँ पर मेरी बोतल का रेशो 2:1 है। अक्सर बॉटल्स का 3:1 होता है, 1:1 होता है। 2:1 का मतलब हो गया कि अगर मैंने 100 ग्राम्स रेजन लिया है तो 50 ग्राम्स हार्डनर लूँगी। 1:1 का रेशो का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 ग्राम हार्डनर लिया है तो 100 ग्राम ही रेजन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2:1 रेशो में रेजन ले लिया है। अब हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत लाइट हैंड से मिक्स करना है। जितना आप इसको लाइट हैंड से मिक्स करेंगे ना, ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी तैयार होगी, यानी कि बबल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे इसमें। अगर आप इसको थोड़ा सा भी हार्ड हैंड चलाएंगे ना इसमें, तो फिर क्या होगा, बबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये क्लियर भी नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखिएगा कि इसको जो है बिल्कुल क्लियर होना है। अब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि ये आधी ही मिक्स करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं बस अब डाल दो उसको फटाफट से ना। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुई और आपने इसको डाल दिया मोल्ड में, इससे क्या होगा कि आपकी जो रेज़न है वो हार्ड नहीं होगी। फिर काफ़ी लोगों को ये मुश्किल होती है कि भाई हमारी रेज़न हार्ड नहीं हुई है, हमारी रेज़न बैंड हो रही है। तो वजह यही होती है कि आपने एक तो या तो सही से इसको मेजर नहीं किया होता, या फिर आपने इसको सही से मिक्स नहीं किया होता। अब यहाँ पर मेरी रेज़न बिल्कुल क्लियर तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको 2 कप्स में ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो 2 कलर तैयार करने हैं। यानी कि मैंने एक जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा था और एक में मैंने वाइट शेड तैयार किया है। ये वाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है, क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है इसकी, क्योंकि ये मेटालिक शेड है, हल्का सा वाइट में थोड़ा सी शाइनिंग सी है, तो इसमें बहुत खूबसूरत बनती है जो भी चीज़ बनाते हैं इसमें। और फिर बात वही है कि जो कस्टमर को ज़्यादा पसंद आता है, कस्टमर वही ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो ये मेरे ऑर्डर था। यहाँ मैंने मेकअप पाउडर ऐड किया है। ये मेकअप पाउडर्स होते हैं जो कि थोड़ा सा मेटालिक शेड्स में होते हैं, और एक होता है पिगमेंट जो कि आपकी कलर जो है रेजिन में डालता है, लेकिन वो सिर्फ शेड देता है, शाइनिंग नहीं होती उसमें, वो पिगमेंट्स कहलाते हैं। और जो मेकअप पाउडर्स होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी मेटालिक शेड होता है, ये मेकअप पाउडर्स कहलाते हैं। इसमें फिर कभी हम नेक्स्ट कभी वीडियो में सुकून से बात करेंगे कि हमने रेजिन में कौन कौन से कलर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 इंच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। ये मोल्ड सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अच्छा, दूसरी और सबसे अहम बात ये मुझे आपसे करनी थी कि यहाँ पर मैं रेजिन की सप्लाई सेल कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए हो पैकेजेस, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हमने निकाले हुए, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दूँगी। इसके अलावा मेरा रेजिन का पेज है, आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपको मेरे पास से सारा सामान मिल जाएगा बहुत अच्छे पैकेजेस में। रेजिन की बिगनर्स डील भी है, 1-2 डील्स और भी हैं। तो जो भी आपको सामान चाहिए होगा आपको मेरे पास से मिल जाएगा, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी, नंबर अपना ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने मोल्ड को हल्का सा बैंड किया है दोनों तरफ से, और बीच की साइड पे मैंने वाइट की लेयर डाल दी है। इससे क्या होगा कि मेरा जो वाइट कलर है वो बीच में ही रहेगा, और साइड्स पे मुझे ट्रांसपेरेंट कलर डालना है, क्योंकि साइड पे मुझे ट्रांसपेरेंट कलर के अंदर रोज़ेस को प्रिजर्व करना है। अब यहाँ पर हम वाइट कलर डाल चुके हैं सेंटर में, अब हमें ट्रांसपेरेंट शेड डालना है। अब जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंट शेड डालूंगी एक तरफ पे, तो मैं फ़ौरन से उस रोजन के मोल्ड को नीचे छोड़ दूंगी, और दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही करूंगी। आपने जैसे ही मोल्ड को नीचे छोड़ना है, फ़ौरन से ट्रांसपेरेंट शेड डाल देना है। अब किसी स्टिक की हेल्प से हम वाइट शेड को बैलेंस कर लेंगे। वाइट शेड को हमने सेंटर में अच्छे से फैला लेना है, जितना पार्ट हमें चाहिए है, जितना चौड़ा आपने रखना है, उस हिसाब से वाइट शेड को मैंने यहाँ पर फैला लिया है। अब टोटल आपकी चॉइस है कि आपने क्या डिज़ाइन डालना है, इसमें आप वेरिएशंस कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है आपको दिखाने के लिए, ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन इसमें आप अपनी एडिशन कर सकते हैं, आपको जो कलर्स भी ऐड करना चाहें। जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट शेड डाला है, तो ट्रांसपेरेंट की जगह पे आप कुछ और डाल सकते हैं, ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी बहुत प्यारा रहेगा वाइट के साथ।
अब यहाँ पे मैं रोज़ फ्लावर्स ड्राई करके रखती हूँ, तो ये ड्राई फ्लावर्स हैं जो मैं अब ट्रांसपेरेंट शेड में ऐड कर रही हूँ। वाइट शेड में हमें ऐड नहीं करना है, हमें जस्ट ट्रांसपेरेंट शेड में ऐड करना है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शेड में ही नज़र आएंगे। तो फ्लावर्स को हमें ट्रांसपेरेंट रेजिन में प्रिजर्व करना है, और इसके लिए हमारे ड्राई फ्लावर्स होने चाहिए, बिल्कुल भी ये फ्लावर्स फ्रेश नहीं होने चाहिए, वरना इससे क्या होगा, फ्रेश फ्लावर डालने से आपका जो रेजिन है वो इसको ग्रीन कर देगा, फ्लावर्स का कलर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि फ्लावर अपना कलर चेंज करेगा। तो फ्लावर जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, और स्टिक की हेल्प से इसको आप रेजिन के अंदर डाल दें ताकि जो है रेजिन इसको कवर कर ले। अब इसमें थोड़ी सी शाइनिंग, थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन फॉइल का यूज़ किया है। गोल्डन फॉइल पेपर आते हैं, ये चांदी के वर्क टाइप के होते हैं, बहुत हल्का सा मटेरियल होता है। इसको हमने जो है ऐड कर दिया है रोज़ेस के साथ साथ। 30-40% जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें आपने थोड़ा सा इस किसी भी स्टिक की हेल्प से, कोई टूथपिक हो उसकी हेल्प से आपने इस तरह से डिज़ाइन डालना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेजिन है वो थोड़ी सी हार्ड होगी, तो फिर ये स्टे कर जाएगी, आपका जो डिज़ाइन है वो फिर बना रहेगा, और ये वेलवेट लुक देता है, बहुत अच्छी से लुक आती है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर ड्राई हो चुका है 80%, और ये तकरीबन 10 से 12 घंटे में ड्राई हुआ था। अब यहाँ पर मैंने स्टिकर्स इस पर लगा लिए हैं। ये स्टिकर जो है ये ट्रांसपेरेंट शीट पे प्रिंट होते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट शीट जो है अब ये इसके ऊपर लगी रहेगी, मुझे इसको निकालना नहीं है, ये इसी के साथ ही लगी रहेगी पूरी शीट। तो अब मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है, ये इसी कंडीशन में मैंने डीमोल्ड किया था इसको। ये 80% ही ड्राई है, अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ हुआ, आप देख सकते हैं कि हल्का सा बैंड हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है, और डीमोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर लास्ट लेयर लगाऊंगी। अब जो मैं इसको रखूँगी सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस बिल्कुल से स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हमारी सरफेस फ्लैट नहीं होगी तो हमारे रेजिन की जो प्रोडक्ट बनाई है हमने, इसके ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे, बैक साइड से, फ्रंट से इस पर क्रैक आ जाते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी सरफेस होगी आपकी वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने किसी भी इस तरह की कोई लकड़ी की कोई चीज़ हो या कोई मेटल की कोई चीज़ हो उसके ऊपर नहीं रखना है, वरना आपका जो पीस है वो उसी के ऊपर चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी जो है यहाँ पे मैंने शीट बिछाई हुई है, ये सिलिकॉन की ही शीट है, इसलिए मेरा रेजिन का जो प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन शीट पर नहीं चिपकेगा। या फिर आप कोई भी प्लास्टिक की बैग भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैली बिछा कर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लास्ट लेयर इसको लगा रही हूँ, और ये बिल्कुल कम लेयर मैंने यूज़ की है, यहाँ पे ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, और इसी को हम स्प्रेड करेंगे स्टिक की हेल्प से, और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कम्प्लीटली। अब जो है ये तकरीबन 7-8 घंटे लेगी दोबारा से, और अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। अब अगर आपके पास कोई ड्रिल है तो आप ड्रिल यूज़ कर लें, वरना मेरे पास तो ड्रिल नहीं है, मैं यहाँ पर हैंड ड्रिल यूज़ करती हूँ, और यहाँ पर इससे भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो इसमें मैंने होल कर लिया था ताकि इसमें मैं आई पिन डालकर इसको हैंग कर सकूँ। ये देखें जी कैसे होल हो चुका है। अब हम इसके अंदर आई पिन डालेंगे। आई पिन क्या होती है, देखें, इस तरह का एक स्क्रू टाइप का होता है, बहुत छोटा सा, इसको आई पिन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इसमें डाल दिया है ताकि ये अब इसको होल्ड कर लेगा, और इसके बाद फिर हम इसके अंदर हम चेन डालें या फिर हम पर्ल्स की लड़ी डालें, क्रिस्टल्स डालें, वो टोटल हमारी मर्जी है। तो यहाँ मैंने फिश वायर में पर्ल्स और क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में, वाइट पर्ल्स हैं और ब्लैक क्रिस्टल्स हैं, तो इससे बहुत प्यारा लुक आ रहा था इसका। अब ये पूरी कम्प्लीट हो गई है, और इसके बाद हम इसके एंड्स पे जो है वो लॉक्स लगाएंगे। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।